आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी स्टाइल एंड को स्पॉन्सर्ड एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में कॉलेज यूनियन की जानिब से सरोजा नुमाइश और कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फ्रेशर्स को इजाज देने के अलावा कई एग्जाम के प्रोग्राम मुनाकिद होंगे। तुलबा ने यहाँ कई स्टॉल लगाए हैं। उर्दू शोबे की जानिब से मुंशी प्रेमचंद के नाम से स्टॉल लगाया गया। साथ ही हिंदी शोबे के तुलबे ने मकर संक्रांति से मुतलिक स्टॉल लगाए। ये जानकारी हमें डॉक्टर फारूक आजम से हासिल हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर छवि दे और काउंसलर सी के रेशमा इस मौके पर मौजूद थी। যত সদস্য আছো, লিপিকা বাউরি, প্রিয়াঙ্কা, পুনম চক্রবর্তী, সুস্মিতা দেখা করো, এবং বাবলি, যারা যারা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ক্যাম্পে আছো তারাও ব্যাকস্টেজে এসে দেখা করো। নজরুল গীতি অঞ্জনা দাস রায়, সুব্রা, জয়িতা ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত জয়িতা ঘোষ, অঞ্জনা দাস রায়, সুনন্দা ঘোষাল, নিত্য, দোয়েল মুখার্জি, সুদেষ্ণা মণ্ডল, ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী, তোমরা সবাই ব্যাকস্টেজে এসে উপস্থিত হও। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে এবং তারপরে আমাদের যে অ্যানুয়াল কালচারাল কম্পিটিশন, সেই কম্পিটিশনের পুরস্কার প্রস্তুত করা হবে। संक्रांति मनाया जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। किस तरह जो है कपिल मुनि ईद देख रहे हैं, कपिल मुनि का आश्रम है गंगा सागर, यहाँ पर सब जाते हैं नहाने के लिए। अभी वो चल रहा है पर्व। अब पूरे भारत में जिस तरह बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में इस तरह से जो त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति, इसके बारे में बता करके वहाँ किस तरह से मतलब मनाते हैं, दो तीन दिन का त्यौहार होता है उसके बारे में पूरा, और इसका क्या महत्व है, मतलब भारतीय संस्कृति को जो है उजागर करने के लिए ये गंगा सागर जो है ये आश्रम दिखाया गया है। 2019 इस बार आज से शुरू हो गया है और ये सहरोजा सकाफती प्रोग्राम है। तीन रोज़ का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। स्टूडेंट यूनियन की जानिब से, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की जानिब से हर साल इस प्रोग्राम का अहतमाम किया जाता है, जिसको हम लोग जो एनुअल कल्चरल प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें न्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं और पीजी के जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन हुआ है, इन तमाम स्टूडेंट्स का इस्तकबालिया दिया जाएगा, इन लोगों को उनका फ्रेशर वेलकम किया जाएगा। इसके अलावा कल भी जो है सारा दिन प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में जो है अभी इनॉग्रल सेशन होगा और इसके बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो कल्चरल कंपटीशन होता है इसमें हिंदी, उर्दू, बंगला, इंग्लिश तमाम डिपार्टमेंट, तमाम सब्जेक्ट्स को जो है प्राइज से नवाजा जाएगा, इनाम से नवाजा जाएगा, जो कल्चरल कंपटीशन हुआ है, सकाफती मुकाबला जो हुआ है उसके ताल्लुक से। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड में, इस मैदान में मुख्तलिफ शोबा ने, डिफरेंट डिपार्टमेंट ने अपना अपना एग्जीबिशन पेश किया है, स्टॉल लगाया है, जिनका मुख्तलिफ थीम है, डिफरेंट टॉपिक है। आप जब इस हर एक स्टॉल में जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने किस किस टॉपिक पे, किस किस थीम पे जो है ये स्टॉल लगाया है, एग्जीबिशन लगाया है। हमारा उर्दू डिपार्टमेंट जो इस साल से ख़ास तौर से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट उर्दू हो चुका है, इस साल हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के मौजू पर स्टॉल लगाया है, एग्जीबिशन दिया है। मुंशी प्रेमचंद को हम लोगों ने इसलिए चुना है कि असर हाजिर में प्रेमचंद की जो असली मानवियत है वो सामने ला सकें। असर हाजिर में प्रेमचंद जैसे कलमकार की ज़रूरत है। प्रेमचंद ने जिन मौजूआत पर अपना कलम उठाया, जिन मौजूआत पर, जिन मसाइल पर
उन्होंने अफसाने पेश किए, नावल पेश किए, अदबी तहरीरें पेश की हैं। जो अदबी तख्लीकात उनकी मंजर आम पर आई है उसकी अहमियत आज भी है, वो कल भी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। जिन मसाइल को, जिन मौजूआत को प्रेमचंद ने पेश किया है वो मसाइल ख़त्म नहीं हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो मसाइल आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हमारा जो माशरा है, हिंदुस्तानी माशरा, हिंदुस्तानी समाज है, उसमें चाहे वो मजदूर की बातें करें, वो किसान की बातें करें, औरतों की बात, औरतों की मजलूमियत की बातें करें, जागीरदार तबका, ज़मींदार तबके की बात करें, उनके जुल्म की बात करें, वो तमाम मसाइल आज भी वहीं पर हैं, मौजूद हैं, सिर्फ इनकी शक्लें बदल गई हैं। यहाँ हमारे सुबह के स्टूडेंट ने मुख्तलिफ तरीके से उनके अफसाने पे, उनके नावलों पे डिफरेंट मॉड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से हमारे स्टूडेंट ने अफसाना कफन का एक मॉड्यूल बनाया है और ये मॉड्यूल के ज़रिए वो साबित करना चाहते हैं कि प्रेमचंद के अफसाने का थीम क्या था। इस तरह से आप अंदर देखेंगे गोदान का मॉड्यूल पेश किया है, इस तरह से ईदगाह का मॉड्यूल पेश किया है, जिसमें प्रेमचंद ने एक हामिद के एक ऐसे किरदार को पेश किया है कि जिस किरदार की हमें आज भी तलाश है। क्या हामिद जैसा किरदार आज भी मौजूद है? ईदगाह को पढ़ने की हमें फिर से ज़रूरत है, उस किरदार को तलाश करने की हमें ज़रूरत है। ये पूरा स्टॉल आप जो देख रहे हैं प्रेमचंद के मौजू पर है, प्रेमचंद के जो थीम पर है और उनके अफसानों के ताल्लुक से। प्रेमचंद हमारे वाहिद अदीब हैं जो है, ये जो है उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में यकसा तौर पर मकबूलियत हासिल की है। इन्होंने दोनों जबान में जो है अपनी अदबी तख्लीकात पेश की हैं। अगर ये कोई कहता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है तो प्रेमचंद से उनको सीखना चाहिए कि प्रेमचंद का मजहब, प्रेमचंद का धर्म मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान मजहब से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी लिखा। उनके बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे नावल जो है वो हिंदी में भी हैं और उर्दू में भी है, दोनों जबानों में है। यानी उर्दू एक मखलूत तहजीब की जबान है, मिक्स्ड कल्चर की जबान है। हम इस स्टॉल के ज़रिया, इस एग्जीबिशन के ज़रिया उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं जो उर्दू को किसी एक मखसूस फ़िरके से या मखसूस कौम से, मखसूस तबके से जोड़ना चाहते हैं। उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू जो है वो पूरी एक हिंदुस्तानी ज़बान है, वो खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। अगर प्रेमचंद कहीं उर्दू में लिखते हैं तो ज्ञानचंद भी उर्दू में लिखते हैं और जो है गोपीचंद नारंग भी उर्दू में लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे अदीब हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों में लिखते हैं। इसलिए ज़बान किसी की मीरास नहीं होती है, किसी कौम की मीरास नहीं है, बल्कि ज़बान जो है एक कल्चर का नाम है, एक शनाख्त, एक तहजीब का नाम है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पीजी के स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे यूजी के स्टूडेंट्स भी हैं, इनके ज़रिए आप आज के स्टॉल, आज के जो एग्जीबिशन है प्रेमचंद का, इनसे आप ये पूछ सकते हैं आप क्या मकसद। नाज़रीन, वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए, साथ में है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड, जीटी रोड, आसनसोल। खुशहाल भविष्य के लिए स्वस्थ आंखें बेहद जरूरी है, तभी तो नयन आई हॉस्पिटल आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करती आ रही है। फेको स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार रॉय, आशीष कुमार बसु, डॉक्टर अनिल किशोर नाग की देखरेख में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है।
हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी, फिंको ऑपरेशन, आंखों के ऊपर झिल्ली का इलाज, नेत्र नाली ऑपरेशन, आंखों का ई स्कैन और बी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस भी पाए जाते हैं। तो आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, अवश्य आए नयन आईस हॉस्पिटल, जीजी रोड, सीजी टावर, मनोज सिनेमा के निकट, कुमारपुर, आसनसोल। Fashion Plaza. Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. Fashion Plaza, Asansol Galaxy Mall में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की जेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेश कीमती मसनुआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयर रिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, थर्ड फ्लोर, गैलेक्सी मॉल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। चमचमाती सफेदी के साथ हाथों का रखे ख्याल, नायरा, एक नाम जो गंदगी का करे काम तमाम, नायरा, अटूट रिश्तों की पहचान, धुलाई का सुल्तान, झाग में दम और दाम भी है कम। सुंदर केमिकल वर्क्स की नायरा प्लस डिटर्जेंट पाउडर, नायरा वॉशिंग पाउडर, एक्शन नेहा डिटर्जेंट पाउडर, नेहा डिटर्जेंट पाउडर या नायरा एक्टिव डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करें और चमचमाती सफेदी पाएं। खुदरा और थोक विक्रेता के लिए संपर्क करें। हाथों का रखे ख्याल, सफेदी दे बेमिसाल, सुंदर केमिकल वर्क्स। कॉल 9333121857 एंड 9333742004 पर। 11 जनवरी को आसनसोल रेलवे डिविजनल अस्पताल में जेरे इलाज जहनी तौर पर बीमार 85 साल एक शख्स 11 जनवरी से लापता हो गया। लापता शख्स के बड़े बेटे तपन महापात्र ने जुनूबी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि मरीज के साथ इसके घर के एक शख्स का रहना जरूरी है, जबकि इस मरीज के साथ कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या चीज़? रेल हॉस्पिटल। बाबा ठंडा लगे थी, हाँ ठंडा लगा, पर हमारा मेडिकल के लिए मशीन है, सुपर डिविजनल मेडिकल। रेलवे हॉस्पिटल ते बाबा भर्ती कर 11 तारीखे भर्ती कर 14 तारीखे एकटार पर थी और पा जा हॉस्पिटल की बोल हॉस्पिटल बोलते ये देखो हमारा कत देखो हाँ तुम घर थी जी मिसिंग हो जाए तब तुम्हारा क्यों क्यों कर আমি কি বলবো, চুপচাপ চলে এলো। এখন কি করলেন এখানে? এখানে এখানে মিসিং ডায়েরি দিলাম। আপনি কে হন? আমি বড় ছেলে। কি নাম আপনার? তপন মহাপাত্র। বাবার নাম? বাবার নাম তপন মহাপাত্র।
কালকে একজন পেশেন্টকে ভর্তি করা হয়েছিল, দু তিন দিন ধরেই ভর্তি ছিলেন ভদ্রলোক, 85 ইয়ার্স এজ, ওনার মেন্টাল কন্ডিশনও ঠিক ছিল না পার্টি বলছে। এখন এইসব ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্ট পার্টিকে বলে দিই যে আপনারা 24 আওয়ার্স পেশেন্টের সঙ্গে থাকবেন যে কোনো একজন, এবং এই মেন্টাল কন্ডিশন যাদের ইম্পেয়ার্ড থাকে তাদের কিন্তু পার্টি থাকা জরুরি, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, পেশেন্টের বয়স বেশি, 85 ইয়ার্স। এইসব পেশেন্টের ডেলি লিভিং, যেমন হাঁটা চলা, বাথরুম যাওয়া, খাওয়ানো ইত্যাদির জন্য একজনকে লোককে রাখতে বলা হয়, কারণ আজ এক্ষুনি জল চাইবে বা ইউরিনাল চাইবে বা কিছু চাইবে, এটার জন্য ভদ্রলোক হয়তো বলতে পারছে না, ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারছে না, কথা বলতে পারে না, এগুলো পার্টি বুঝতে পারে যেহেতু ওদের ওনার চেনা। এবার পার্টি হসপিটাল স্টাফকে বলে দিল এটা দরকার, অমুক দরকার, বা কোনো ওষুধ দেওয়া হয়েছে খেলো না, পার্টি খাইয়ে দেয়, বলে যে খাবারের পর খাবে, এরকম হয়। কিন্তু এখানে কি হয়েছে, কিছুক্ষণের জন্য পার্টি ছিলেন না, এবং এই সময় শোনা যাচ্ছে পেশেন্ট বেরিয়ে চলে গেছে। এখন মুশকিল হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের এই হসপিটালে গেট আছে অনেকগুলোই, কিন্তু গেটগুলো আমরা 24 আওয়ার্স মানে ডিউরিং ভিজিটিং আওয়ার্স আমরা খোলা রাখতে পারি, কিন্তু আদার দ্যান ভিজিটিং আওয়ার্স বন্ধ করে রাখার করতে গেলে আমাদের অ্যাডিকুয়েট সিকিউরিটির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেই সিকিউরিটিটি যদি না থাকে তাহলে যে ওই কলাপসেবল গেট বন্ধ করবে তাকে অনেক সময় হ্যারাস করা হয়, এবং হ্যারাস করে পেশেন্ট পার্টি হ্যারাস করে, এবং এটা আমার নিজের চোখে দেখেছি। কাজেই না পেশেন্ট পার্টি, না আমার হসপিটাল স্টাফ, না ওয়ার্ড ইনচার্জ সিস্টার কেউই সাহস করে ওইটা বন্ধ করে রাখতে পারে না। ইভেন বেশ কয়েক বছর আগে এটা নিয়েও প্রবলেম হয়েছিল একবার আইসিসিউতে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য। তো এই ক্ষেত্রে কি হয় যে আমরা ট্রান্সপারেন্সি বজায় রাখার জন্য পার্টিকে অ্যালাউ করি যে আপনারা একজন থাকুন, কিন্তু এক্ষেত্রে ছিল না। এখন এটার জন্য আমাদের বাড়ি এই হসপিটালে সিসিটিভি লাগানো আছে, আমি এএনওদের বলেছি যে আপনারা অপারেটর ডেকে দেখুন যে ওই ভদ্রলোককে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে কিনা সিসিটিভিতে, এবং উনি কোন দিকে গেছেন। আশা করছি পেশেন্টের ভেয়ারাবোর্ডস পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আমরা পুলিশ ইনফরমেশনও করেছি, এইসব যারা অনুসন্ধান মানে সন্ধান পাওয়া যায় না, যারা যাদের যারা হারিয়ে যায় এদের খুঁজে বার করার কাজ যাদের, যেমন পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এনাদের কাজ থাকে। এনাদের অলরেডি আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে এরকম মেডিকেল ওয়ার্ড থেকে একজন পেশেন্ট চলে গেছেন, বেরিয়ে গেছেন। পিতাজি তো ভর্তি কিয়ারে ডিভিশনাল মেডিকেল হসপিটাল মে, রেলওয়ে হসপিটাল মে, 11 তারিখ ভর্তি করনে কে বাদ 14 তারিখ জব হাম লোগ খানা দেনে পৌঁছ গিয়ে গিয়ে দেখ রহে থে পেশেন্ট গায়ে পে বেড সে 13 নম্বর বেড সে। তো উসকে বাদ সিএমও সে ভেট কি হাম লোগ, সিএমও বোল রহা কি হাম লোগ, মেরা পিতাজি ভি ইয়াহাঁ সে গায়েব হো গিয়া রহা, ইসকে রেসপন্স মে হাম লোগ নাই জানতা হ্যায় কুছ, হাম লোগ নাই রহা কুছ নাই জানতা সে বারে মে, ऐसे ही चल रहा हम लोग हॉस्पिटल। ये बात कौन कहा? सीएमओ, सीएमओ का जो कहने का मतलब। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी अभी हम लोग देखिए अभी ऊपर माल तक जाएंगे, जीएम तक कंप्लेंट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कमल महापात्र। आप कौन है? छोटा लड़का। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इंफोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। नाज़रीन आज की खबरें बस यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।